एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज बनने वाला है सोया चिली चंक, या फिर आप चिली सोया भी बोल सकते हैं, या फिर आप इंडो चाइनीज स्टार्टर भी बोल सकते हैं। ये बहुत यमी बनता है, खाने में बहुत ही लाजवाब होता है और देखने में भी बहुत सुंदर होता है। एंड या इसका कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगता है इसको, एंड ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनता है। तो चलिए मैं आपको आज दिखाती हूँ कैसे बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है भिगोया हुआ सोया चंक्स, उसके बाद मैंने यहाँ लिया है टमेटो केचप, सोया सॉस, रेड चिली पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और कैप्सिकम मैंने क्यूब में कट कर लिया है, और ऑनियन एक क्यूब में कट कर लिया है क्यूब के साइज में। उसके बाद मैंने यहाँ गार्लिक लिया है और मैंने ग्रीन चिली भी लिया है। ग्रीन चिली ऑप्शनल है, मेरे बेटी है सो मैं यहाँ पर ग्रीन चिली ऐड नहीं करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर जिंजर भी दिया था पर ऐड करना शूट करना भूल गई मैं। एक लहसुन की कलियों को आपको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, और आप अदरक को भी छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। उसके बाद आप सोया चंक्स को निचोड़ के एक बर्तन में बड़े पतीले में देख के उसके बाद ऐड करेंगे एक दो चम्मच कार्ड, उसके बाद रेड चिली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, उसके बाद आप थोड़ा सा बेसन भी ऐड करेंगे जो मैंने नहीं दिखा है। उसके बाद यहाँ पर फ्राई हो गया है सोयाबीन, मैंने सारा सूट आपको मतलब नहीं दिखाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा ब्लैक पेपर भी ऐड किया था पर शूट नहीं हो पाया। तो उसी पैन में हम फिर उसी तेल थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं देंगे यहाँ पर। उसके बाद अब हम ऐड करेंगे अनियन, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर सॉरी कैप्सिकम जो ऐड किया था वो आप शूट नहीं कर पाई। सो उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ सोया सॉस दे रही हूँ। बाय द वे ये मैं नहीं बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। सबको एक बार अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद अभी ऐड होने जा रहा है थोड़ा सा विनेगर, जो कि मैं आपको बताना भूल गई, पहले ही बताना भूल गई, इसमें विनेगर भी मिलता है थोड़ा। और उसके बाद यहाँ पर जो सोया चंक्स ऐड हुआ है ना वो क्लिप में ऐड करना भूल गई, थोड़ा सा ढक लेंगे। अब इसमें जा रहा है ब्लैक पेपर, थोड़ा सा पानी ज़रूरी है देना, ढक के थोड़ा बना लेंगे। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा सोया सॉस, अभी फिर अच्छे से मिला देंगे टमेटो केचप। अभी ये सब मिल के एक अच्छा सा जो मतलब स्टार्टर बनेगा ना, क्या बताऊँ आपको, मुंह में पानी आ जाएगा आपको देख के। जो मैं खाई थी ना, ना टेस्टी बना था ये, इसमें ये प्रोटीन से भी भरपूर होता है। ये थोड़ा सा चाट मसाला दिया ऊपर से, मैं वो भी क्लिप आपको मतलब पहले ही बताना भूल गई। फिर ये बन चुके रेडी हो चुका है, तो देखिए इसका कलर कितना परफेक्ट आया है, इसका कलर देखिए आप। सो या बन के भी रेडी हुआ और ये खाने में भी लाजवाब बना था, इतना टेस्टी बना था, इतना यम्मी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय।